कि जब आप सेब लैंडिंग करते हैं तो उनकी रवायत है कि ये लोग शैंपेन पीते हैं और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कमल और ज़ुल्कनैन के बारे में। कमल और ज़ुल्कनैन इस वक्त तुर्की में मौजूद है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी है जिसको देखकर उनके फैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने स्टार्ट में इसकी चंद क्लिप्स देखे होंगे, इसकी मुकम्मल वीडियो आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे, उसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी का पता चल सके कि आखिर ये चीज़ वाकई शराब है या क्या है, सब कुछ आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। बेस्ट सनराइज अभी तक जो हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है, राइट कमल तुमने? यस, और ये बेस्ट टूर है हमारा जिसमें और बेस्ट टूर है जिसमें हम लोग बहुत इंजॉय करें और बहुत अच्छा व्यू भी हम लोगों ने ऊपर से इंजॉय किया। मैं आप लोगों को भी जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग टर्की आते हैं तो कैपडोशिया जरूर आए और यहाँ पे हॉट बलून को जरूर इंजॉय करें। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड कर चुके हैं। Okay then. पुराना वीडियो कट करनी पड़ती है। इनका कहना ये है कि जब आप सेब लैंडिंग करते हैं तो उनकी रवायत है कि ये लोग शैंपेन पीते हैं और नो शरफ है एंड इट्स हलाल। ये एप्पल जूस है, हम लोगों ने कंफर्म किया है ये एप्पल जूस है। कमल और ज़ुल्कनैन ने टर्की के शहर कैपडोशिया में हॉट बलून का सफर किया था। वहाँ की रिवायत है कि जब कोई भी हॉट बलून से सेफली लैंडिंग करता है तो फिर उनको शैंपेन पेश की जाती है, और इसी तरह से कमल और ज़ुल्कनैन को भी शैंपेन पेश की गई थी। लेकिन चूंकि कमल और ज़ुल्कनैन मुसलमान हैं, हमारे मज़हब इस्लाम में शराब नोशी हराम है, तो उन्होंने शैंपेन तो नहीं पी थी, लेकिन जो उनके हाथ में आप ग्लासेस देख रहे हैं वो बल्कि शैंपेन के नहीं एप्पल जूस के हैं। लेकिन उनके जिन फैंस ने इन वीडियोज़ को कम्प्लीट नहीं देखा उनको यही लगा कि शायद कमल और ज़ुल्कनैन भी शराब नोशी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो एप्पल जूस पी रहे थे। सो आई थिंक सो किसी भी बात के बारे में कुछ बोलने से पहले ये लाजमी होता है कि उस बात के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।